हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में वारजे एरिया में और आज हम आए हैं मालसा टायर्स नाम की एक पॉपुलर टायर की दुकान में और जिसके ओनर है मिस्टर निरंजन किनी सर। तो दोस्तों आज हम सर से टायर के बिज़नेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे ये बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग टायर का दुकान शुरू करना चाहते हैं, एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। ठीक है, चलेगा। सर आपको लगभग कितना वक्त हुआ आप इस बिज़नेस में हैं? चलिए मैं कम से कम एक 15 साल तो हो गए इस लाइन में। अच्छा 15 साल हो गए आप इस लाइन में। शुरू में काम पे था मैं एक जगह, अच्छा मार्केटिंग कर रहा था टायर का, बाद में वो एक्सपीरियंस लेके फिर खुद का चालू किया मैंने ऐसा। अच्छा सर अगर कोई नया टायर का बिजनेस करना चाहता है तो कम से कम कौन सा लाइसेंस इसको लगता है, कौन से कितने लाइसेंस लगते हैं? लाइसेंस ऐसा कुछ नहीं है, खाली उसको एक शॉप एक्ट लाइसेंस निकलना पड़ता है उसके फर्म के नाम से रिटेल आउटलेट के लिए। खाली एक लाइसेंस बराबर। सर अभी टायर में हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े ट्रक के टायर होते हैं, टू व्हीलर के होते हैं, फोर व्हीलर के होते हैं, तो सर अगर कोई नया ये बिज़नेस करना चाहता है तो उसको क्या क्या रखना पड़ता है दुकान में, जैसे ट्रक के वगैरह भी रखने पड़ते हैं या फिर? ट्रक में एक्चुअली क्या होता है कि ट्रक का जो काम है बहुत हेवी रहता है एक्चुअली। शुरुआत टू व्हीलर से अगर करेंगे ना तो अच्छा रहता है। अच्छा, टू व्हीलर टायर खोलने में भी आसानी रहता है, बिठाने में भी आसानी रहता है, वो करके करके फिर फोर व्हीलर में बाद में ट्रक। ट्रक का सेगमेंट टोटली अलग है, बहुत हेवी काम है उसको, बहुत एक्सपीरियंस लगता है, हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क है। नॉर्मली टू व्हीलर फोर व्हीलर टायर में वो काम जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ट्रक में काम थोड़ा टाइम लगता है, टायर खोलना, पंचर निकालना, मेहनत है उसमें, पैसा है लेकिन मेहनत है। टू व्हीलर टायर से चालू करेगा ना तो भी बहुत अच्छा है। बराबर, टू व्हीलर टायर सेल रिपेयरिंग वगैरह चलता रहता है। जैसे टू व्हीलर के टायर रखेंगे ना तो फोर व्हीलर का इंक्वायरी होता है, तो कस्टमर फोर व्हीलर का भी टायर पूछता है, तो आपको यह समझ में आ गया कि यार मेरे को फोर व्हीलर का भी इंक्वायरी आ रहा है, तो आप फोर व्हीलर का भी टायर रख सकते हैं ऐसा। सर जैसे टायर में अलग अलग क्वालिटी होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी कैसे पता चलेगी आपने इंडियन रोड के हिसाब से? इंडियन रोड के लिए इंडियन टायर कंपनी है, MRF है, टू व्हीलर में C8 है, JK, बहुत सारे कंपनी है, लेकिन एक लोगों के मन में कि नाम है MRF चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। टायर कौन सा भी रहने दो, आप गाड़ी कैसे चलाते इसके ऊपर वो टायर का लाइफ है। कोई हवा कम में चलाता है गाड़ी तो हर हफ्ते में हवा चेक करेगा तो टायर का लाइफ अच्छा मिलता है, ऐसा हर एक टायर का क्वालिटी लाइफ सेम रहता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ। और ये सॉफ्ट टायर और ये हार्ड टायर ये क्या होता है मतलब? सॉफ्ट टायर में क्या होता है कि आपको टायर का लाइफ कम मिलता है, टायर लाइफ कम मिलता है, कम मिलता है, वो मीन्स टायर जल्दी घिसता है, लेकिन आपको चलाने में मजा आता है, चलाने में कंफर्ट आता है ऐसा। हार्ड टायर रहेगा तो उसका लाइफ ज्यादा रहता है लेकिन कम्फर्ट नहीं है, गाड़ी ऐसा वाइब्रेशन देगी, ये सब वो टेक्निकली है सब। अच्छा, उसके ऊपर टायर का प्राइस भी रहता है, सॉफ्ट टायर थोड़ा महंगा रहता है, हार्ड टायर थोड़ा सस्ता, ये सब फर्क रहता है उसमें, हर एक गाड़ी के हिसाब से वो टायर बना रहता है, सॉफ्टनेस हार्डनेस वो हिसाब से देते हो ऐसे। सर अगर कोई नया टायर का दुकान शुरू करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा लोकेशन कौन सा होगा? अच्छा लोकेशन एक तो जिधर ट्रैफिक रोड पे रहता है, कंटिन्यूस व्हीकल मूवमेंट ज़्यादा है, वो उधर रोड पे ही चाहिए दुकान, दिखना चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, ये टायर का दुकान है, पंचर है। अब ये मेरा तो शोरूम जो ये दुकान है तो इसको विजिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा ये अंदर है, लेकिन पहचान से कस्टमर आते हैं मेरे पास, कांटेक्ट है मेरा, इतना साल का मींस काम किया मैंने, हर एक जगह कांटेक्ट है, फोन पे लोग आते हैं ऐसे बाइक लोग। सर टायर का दुकान शुरू करने के लिए कम से कम कितना बड़ा दुकान चाहिए? टायर का दुकान के लिए ऐसा मींस एरिया वाइज ऐसा कुछ नहीं है, अगर रोड पे अच्छा लोकेशन रहेगा ना, मिनिमम एक 200 स्क्वायर फुट का दुकान रहेगा तो भी चलेगा, यानी खाली जो मशीनरी है कॉम्प्रेसर, टायर पंचर मशीन बनाने का, टायर ओप चेंजर, ये रखने के लिए जगह रहे तो ही चलेगा, और बाकी मटेरियल जो है ट्यूब वगैरह वो रखने के लिए, और टायर ऐसा कुछ नहीं कि टायर चाहिए, टायर रिपेयर करेंगे तो भी चलता है, टायर थोड़ा बहुत रखेगा तो भी उसमें बैठता है। 150-200 स्क्वायर फुट का दुकान भी रहेगा ना तो हो जाएगा अच्छा काम, ऐसा 150-200 में भी अच्छा होगा। और सर जैसे आपने मशीनरी की बात की, ये लगभग मशीनरी में कितना खर्चा आता है अगर लेना है? मशीनरी इन्वेस्टमेंट देखो अभी नॉर्मल बेसिक अगर चालू करने का है दुकान तो एक टायर चेंजर, पंचर का मशीन, कॉम्प्रेसर, एक 2-2.5 लाख तक जाता है।
मशीनरी। अच्छा, बाद में मटेरियल टायर इन्वेस्टमेंट है वो दो लाख पकड़ो, दो लाख। हाँ, तो कम से कम 4-4.5 लाख में हो जाता है। 4-4.5 लाख में पूरा दुकान टायर का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और उसमें लगभग सभी वैरायटी टायर की आ जाएगी। हाँ, वैरायटी आएंगे। कौन हर एक गाड़ी में जो टायर लगता है उसका, मैं तो हर एक खाली एक ब्रांड लेके भी चलेगा तो भी चलता है। खाली सीएट का आप रखेंगे, खाली सीएट टायर तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। हाँ, ऐसा है, खाली कस्ट ऐसा नहीं, कस्टमर दूसरा भी मांगेगा, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो बेचो ना, जो है वो बेचो। ऐसा है, कस्टमर को तुम समझाओ कि भाई ये टायर क्यों अच्छा है, उसका वारंटी क्या है, अभी टायर में भी वारंटी आता है टायर। ऐसा, हाँ, ऐसा खाली वो टायर का सर्विस अच्छा देना है कस्टमर को, तो वो लेगा ही। ऐसा बराबर, तो ये 5 लाख में सीएट का वगैरह भी दुकान ऐसा शुरू कर सकते हैं। हाँ, हो जाएगा, आराम से हो जाता है। मल्टी ब्रांड भी रख सकते हैं, टीवीएस, जेके, सीएट, हर एक कंपनी का एक 25-25 टायर रखेगा ना तो भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो मल्टी ब्रांड और ब्रांड में क्या फर्क, मतलब ऐसा होता है? मल्टी ब्रांड रखेगा तो उसमें आपको वैरायटी रखना पड़ता है, ये नहीं तो ये वो। अभी खाली आप MRF को शोरूम देखे, उधर खाली MRF का ही टायर मिलता है, तो उसमें कैसा होता है कि थोड़ा मार्जिन रेशियो ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो एक ही ब्रांड बेचता है, एक ही ब्रांड ऐसा है। तो उधर कस्टमर जब आता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि ये टायर लेने का है, तो उसका रेट का तो इशू नहीं है, रेट का इशू, मार्जिन ज़्यादा मिलता है एक ब्रांड रखेगा तो। एक ब्रांड में मार्जिन ज़्यादा है, मल्टी ब्रांड में रहेगा तो कम ज़्यादा करना पड़ता है भाई। अभी कस्टमर आया सपोज 2 व्हीलर टायर चाहिए, हम बोलेंगे 1200, बोले सस्ता है, फिर हम बोलेंगे ये लो नहीं ये, ऐसा मीन्स उसको फिर कम ज़्यादा करना पड़ता है ऐसा। सर, अभी आपके दुकान में मैंने देखा कुछ पुराने टायर्स भी है, तो क्या इसकी भी डिमांड होती है? कुछ पुराना टायर का भी मार्केट है पुणे ऐसा में, अभी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं लोग, सेकेंड हैंड टायर भी लेते हैं, हर कैपेबिलिटी नहीं रहता कि वह उसको, कुछ लोग बोलते हैं यार अभी लिया गाड़ी, अभी मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो उसको अच्छा टायर मिलता है जो टायर यूज कर सकते हो ऐसा। बराबर, कार डीलर्स रहते हैं जो गाड़ी बेचते हैं वो भी सेकंड हैंड टायर लगवा के गाड़ी बेचते हैं। अच्छा, ऐसा वो मार्केट वो सेगमेंट में आता है। और इमरजेंसी में कोई कस्टमर आता है, अगर टायर फट जाता है तो उसके पास पैसा नहीं है नया टायर लेने के लिए, तो सेकंड हैंड टायर लेता है, सेकंड हैंड टायर ऐसा। हाँ, तो इसमें से अगर कोई लोग अगर सिर्फ पुराने टायर का काम करना चाहते हैं तो वैसा भी वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। खाली आपको थोड़ा आइडिया चाहिए कि टायर चेक करना चाहिए, टायर कैसा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, एयर है टायर में कुछ, टेक्निकली चेक करके लेने का, और आपको बेच सकते हैं, और मार्जिन ज़्यादा है पुराने में नए से भी ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा मार्जिन है, मीन्स एक्चुअली अगर आप, मैं बोलूँगा तो 50-100% भी मार्जिन है जूने में, जूने में, नए में थोड़ा मार्जिन कम है। सब उसको वारंटी है, सब बिल देने का है कस्टमर को। बराबर, सेकेंड हैंड में क्या होता है कि नो गारंटी नो वारंटी, लेकिन आपको मार्जिन है ज़्यादा, मार्जिन ज़्यादा। बराबर सर, अगर हमारे देश का अभी नौजवान अगर कोई नया टायर का बिजनेस करना चाहता है तो ये काम सीखने के लिए साइजेस या फिर टायर लगाना बिठाना मशीन ऑपरेट करना, लगभग सर ये काम सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा? मिनिमम एक 6 महीना। 6 महीना जिसको अगर चालू करने का दुकान, उसने बेस्ट वे टायर की शॉप में और टायर वाला आना रहता है, उसके अंडर सीखने का काम, जो है वो काम करने का, कौन सा भी गाड़ी आने तो टायर खोलने का बिठाने का, 6 महीना में अगर सीख गया ना परफेक्ट तो वो खुद कर सकता है, खुद कर सकते हैं खुद, उसको काम करने की भी जरूरत नहीं है। सर, जैसे अभी हम देखते हैं कई सारे लोग किराए की दुकान लेके शुरुआत करते हैं टायर का बिजनेस, तो सर लगभग कितना किराया होना चाहिए इस बिजनेस में? देखो, एरे के ऊपर है टायर, अपने दुकान कितना छोटा है कितना है ऐसा। बराबर, अभी मेन रोड पे रहेगा तो भाड़ा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा भाड़ा रहेगा तो भी चलता है, लेकिन बिजनेस होता है, होता है। हाँ, फिर भी जैसे 25,000 के आसपास रेंट रहेगा, शोरूम रहेगा तो टायर का शोरूम रहेगा बड़ा तो 25,000 ठीक है, लेकिन टायर पंचर शॉप चालू कर रहे हैं अब, एक पंचर का दुकान, उसमें सब मटेरियल रखा है, ट्यूब है, टायर रखा है, थोड़ा बहुत 10-12-15,000 तक ठीक है भाड़ा, उसमें वर्कआउट होता है, वर्कआउट होता है। और सैलरी कितनी देनी पड़ती है सर, जैसे ये जो स्टाफ स्टार्टिंग में? देखो, अभी जो सीखने को आता है उसको 4-5 हज़ार मिलता है, जो ट्रेंड है उसको 8-10 हज़ार है, उससे भी ज़्यादा हाईली ट्रेंड 15-16 हज़ार। हाईली ट्रेंड मतलब आपको खाली बैठने का है, सब काम वो आदमी ही करेगा, किसी भी कामगार मिलते हैं, उनका सैलरी भी वैसा रहता है, सैलरी भी कस्टमर भी वही पटाएगा, टायर भी वही बिठाएगा, सब खाली आपको बिल बनाने का काम, उसमें 15-16 हज़ार के ऊपर सैलरी है, सैलरी भी। सर, हम देखते हैं टायर के दुकान में छोटे ब्रांड आते हैं, कुछ बड़े ब्रांड आते हैं, तो नया बिजनेस कर रहा है अगर शुरुआत कर रहा है तो कौन सा, मतलब बड़े ब्रांड रखने चाहिए कि छोटे ब्रांड भी चल जाते हैं? ऐसा कुछ छोटे ब्रांड से चालू करेगा तो अच्छा है, बड़ा ब्रांड दिखाने के लिए रखने का टायर वगैरह, अभी फॉर एग्जांपल लोग मांगते हैं MRF, तो MRF का टायर रखने का दिखाने के लिए, लेकिन अपने को मालूम है कि MRF में मार्जिन कम है, तो अपना जो अपने को सस्ते में आ रहा है वो बेचने का, ऐसा कैसे एक बार इस लाइन में आया ना तो सब समझ में आता है क्या है क्या नहीं। सर, टायर की दुकान में ये जो होलसेलर से जो टायर आते हैं ये मटेरियल कहाँ से आता है? होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है हर एक सिटी में,
वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर सब छोटे मोटे दुकानदार रहते हैं। अगर आप खुद डीलरशिप लेंगे तो कंपनी से आता है माल, हर पुणे हर सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, उनका मार्केटिंग का आदमी भी घूमता रहता है सब जगह। अच्छा। वो ऑर्डर्स लेता है टायर की दुकान में जाके, और आपको ऑर्डर देने के बाद वो टायर डिलीवरी करता है ऐसा है। सर, टायर के बिजनेस में टायर के साथ साथ क्या कोई और चीज़ें भी बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं। अभी टायर के साथ अगर आप एक टू व्हीलर मैकेनिक रखेगा तो वो भी काम है। अच्छा। ऑयल चेंज करने का है, बैटरी रख सकते हैं, तो एक्चुअली वो चलता है कंसेप्ट, बहुत जगह किया है बहुत लोगों ने। सर, टायर के बिजनेस में अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है और उसमें से कुछ टायर बिकते नहीं तो क्या ये खराब होते हैं, जैसे एक साल बिका नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, टायर का लाइफ जो रहता है शेल लाइफ रहता है वो 2-3 साल रहता है। अगर बहुत दिन से नहीं जा रहा है तो अभी सपोज टायर तुमने लिया 2 साल से नहीं जा रहा है तो आप काम कर सकते कि किसी कस्टमर को बोल सकते कि भाई ये टायर इतना पुराना है तो मैं आपको अभी अभी 2020 है, ये टायर 2017-18 का है, अभी ये 2020 में ये टायर का प्राइस इतना है, लेकिन मैं उस वक्त ये रेट में लिया था टायर तो उसमें मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं कमाता तो बेच सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टायर का लाइफ ऐसा है, जाता ही है वो, कितना साल रखो कुछ ऐसा ये नहीं है, जाता है ऐसा। ऑनलाइन पे है ना, अमेजोन ये वे, उसके ऊपर भी टायर मिलते हैं, लेकिन वो टायर पुराने रहते हैं 2-3 साल, कंपनी लॉट निकालता है अमेजोन, उनको बोलते हैं कि हमारा इतना लॉट है लेकिन ये 2-3 साल पुराना टायर है, ये लॉट तुम बेचो, तो डिस्काउंट स्कीम भी निकाल के बेचते हैं ऐसा है। लेकिन अभी दुकानदारों में के पास तो नया टायर आता है, फ्रेश टायर 2020 का ही टायर आएगा ऐसा। सर, टायर के बिजनेस में लगभग कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है नए टायर के पीछे? नए टायर में 10% पकड़ो मिनिमम, सिर्फ 10% आपके ऊपर है, बाकी सर्विस में पैसा ज़्यादा है। खाली टायर बेचने से नहीं होता, टायर पंचर है तो ट्यूब डाल सकते हैं आप टायर में, ट्यूब में मार्जिन है, ट्यूब में मार्जिन है, तो बाकी काम में पैसा है, बाकी काम में पैसा, टायर आपको खाली बेचने रखने का है ऐसे, उसमें मार्जिन ऐसा कुछ ये नहीं जा रहा, लेकिन जो सर्विस है पंचर उसमें हवा भरने का है उसमें मार्जिन है। टायर में सिर्फ 10% 10% डिपेंड्स, आप कैसा स्कीम, आप कितना टायर उठाते हैं उसके ऊपर वो परसेंटेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रहता है। बराबर। सर, कोई अगर नया टायर का बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसमें उसको सफल होना है तो किस तरह से सर्विस देनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए? तो शॉप पर टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, एक सुबह ये दुकान इतने बजे चालू होता है, रात को इतने बजे तक चालू रहता है। बराबर। तो लोगों को एक बार समझ में आया कि यार ये दुकान तो चालू रहता है हमेशा, तो आते हैं। टाइमिंग बहुत ये है कंपलसरी शॉप का, ठीक। और आपका सर्विस मतलब आप बाहर जाके किधर सर्विस दे रहे कस्टमर को, किधर टायर किधर पंचर हुआ है, उधर आदमी बेच के वो टायर लेके आने का, उसको बना के वापस बिठाने का, तो एक प्लस पॉइंट रहता है। और टायर का कैसा बिजनेस है कि आने वाला जो कस्टमर है वो वापस अपने पास आना चाहिए, ये नहीं कि आया है उसको अपने टायर ट्यूब बिठाया गया ऐसा नहीं, वो वापस आना चाहिए अपने पास, उसका दूसरा गाड़ी रहेगा नहीं तो, और वो और बाकी लोगों को बताना चाहिए दोस्तों की यार उधर जा वो अच्छा काम करता है ऐसा, ये ऐसा है बिजनेस। तो वापस आने के लिए क्या करना चाहिए? सर्विस दो ना अच्छा, अच्छा सर, रीजनेबल रेट लो, सर्विस दो, जेन्युइन काम करो, जेन्युइन काम, हाँ जेन्युइन, नहीं तो आप बाकी जगह कुछ लोग पैसे कमाने के लिए एक की जगह दो पंचरें बोलेंगे तो मजा नहीं आता है। जो है वो अगर नहीं रहेगा तो नहीं ये बोलो ऐसा है, तो कस्टमर का विश्वास तुमको ये करने का पहला, तो 10 लोगों को बताएगा, लेकिन तुम गलत काम करोगे ना तो 100 लोगों को बताएगा उधर मत जाओ, ये ऐसा है। पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन दिमाग चाहिए, जेब में पैसा नहीं रहेगा लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे तो उधर से टायर मांगा कि बेच के फायदा कमा सकते हैं। बराबर। ऐसा भी है, खुद को नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। बराबर। तो पैसा है बोल के शोरूम डाल के बैठा है कुछ होने वाला नहीं, तुम पहले काम करो, किसी दुकानदार के पास जाके काम करो टायर का है। सर, नया दुकान लगभग 5-6 महीने में सेट हो जाएगा, जैसे अगर नया शुरू करते हैं दुकान होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट्स, हाँ कॉन्टैक्ट्स है, तुम काम करके जिधर एक्सपीरियंस लेके अगर चालू करेंगे तो सक्सेस होगा, पहले दिन से चालू हो जाएगा बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो पहले दिन से आराम से एक्सपीरियंस और तुम्हारा पहचान, तुम जिधर काम करते हो उधर काम करो 2-3 साल एक्सपीरियंस लो। और सर, इस बिजनेस में कोई ऑफ सीजन वगैरह रहता है? सीजन रहता है थोड़ा, अभी ठंडी में थोड़ा डाउन रहता है क्योंकि वेदर ठंडी रहता है, सर टायर थोड़ा मीन्स गर्म नहीं होता, पंचर थोड़ा कम रहता है, बाद में बारिश और
मीन्स मार्च से चालू हो जाता है, मार्च से अप टू नवंबर तक बिजनेस है ऐसा। बराबर, ठंडी में टायर गर्म होता नहीं इसीलिए, इसके लिए थोड़ा पंचर का मीन्स सर्विस कम रहता है, टायर लोग चेंज नहीं करते क्योंकि वो टायर तकलीफ नहीं रहता उतना ऐसा, बाद में बारिश में और धूप में टायर अच्छा लगता है, मेन बिजनेस वही रहता है बारिश में ज़्यादा। बारिश में ज़्यादा। सर अगर लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, अगर टायर का दुकान अच्छा चलता है, लोगों का दुकान अच्छा सेट होता है, तो कितना पैसा इसमें मिल सकता है एक महीने में या फिर एक साल में? देखो मंथली जो अभी मैंने तुमको बताया जो कैलकुलेशन, हाँ, कि ये सब खर्चे जाके इतना मिलना चाहिए, तो हाँ, नेट प्रॉफिट तो 30-40 हज़ार रुपये मिलना चाहिए आपको। बराबर, उतना मिलना चाहिए, वो हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिजनेस कैसा है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कम हो, ऐसा भी है ये बिजनेस का रूल। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मार्जिन कम है वैसा नहीं करने का, इन्वेस्टमेंट कम और मार्जिन ज़्यादा, ऐसा सोच चाहिए कि मेरे को अगर लाने का है मटेरियल तो सस्ते में लाने का है और दो पैसा ज़्यादा मिलेगा वो हिसाब से बिजनेस करने का करेंगे ऐसा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।